मकर राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सच्चाई जानकर आपका घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है दोस्तों, राजा का मुकुट आपके माथे पर सजेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जी, खुशखबरी का आपको बरसों से इंतजार था, वह खुशखबरी आ चुका है दोस्तों। अब आप सभी का जीवन बदलने वाला है। आज का यह वीडियो नहीं, आप सभी के लिए रामबाण है। इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता देवी दुर्गा की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माँ दुर्गा कृपा करो, जय माँ दुर्गा रक्षा करो 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता देवी दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ हमें यह बात बताते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप भी अपने जीवन में खुशियों के रंग भरे सपना सच करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आपका समय बदलने वाला है। दोस्तों, वह कहते हैं ना, जो मेहनत करता है अच्छा फल वही पता है जो बुरा करता है, एक ना एक दिन उसका पतन होना निश्चित है। जी हां दोस्तों, समय आ गया है। अब आप सभी के जीवन में यह देवी दुर्गा आप सभी को मालामाल करने वाली, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन को यह बदल कर रख देने वाली है दोस्तों। परंतु आप आज के इस वीडियो को भूल कर भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जीवन में 70 साल के बाद ऐसा शुभ और भाग्यशाली मौके आ रहे हैं। आप सुबह के जीवन काल में पिछले समय बहुत ही ज्यादा परेशानी था, बहुत ही ज्यादा संघर्ष था, लेकिन किसी न किसी तरह आप उसे समय को पार कर गए हैं और अब आपकी सफलता पाने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों, पिछले समय आपकी ही गलती के कारण आपको भगवान सबक सिखा रहे थे, लेकिन दोस्तों, आपने जो कार्य किया है वह बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसलिए दोस्तों, यह देवी दुर्गा आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी है और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर खुद अपने हाथों से आप सभी के सर पर राजा का मुकुट पहनाएंगे और आप सभी को राजा बना देगी। जी हां दोस्तों, और आज का यह भविष्यवाणी 101% सत्य होकर रहेगा, क्योंकि हम आज का यह भविष्यवाणी का निर्माण ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपके ग्रह कुंडली में कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव होने वाले हैं जहां पर आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आप राजा बनने वाले। जी हां दोस्तों, आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। परंतु आप अपने जीवन में जो गलतियां पहले किए हैं वह गलतियों को करने से अब बचाना होगा। जी हां दोस्तों, भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान को अपने गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। गलतियां इंसान से होता है जो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है, ईश्वर उनके साथ चलते हैं, और जो झूठ की संबंध अपने दिल में लेकर चलते हैं ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा उसका साथ कभी नहीं देता है। जी हां दोस्तों, इसलिए यदि आपसे अपने जीवन में कोई गलती हो भी गई है तो दोस्तों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब से आप अच्छा कार्य करेंगे तब से आप सभी का जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको इसका ही उदाहरण देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, पिछले समय आपने किसी के बाहों में आकर कुछ ऐसे कार्य कर दिए थे जिसके कारण ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके जीवन से नाराज हो गई थी, माता दुर्गा आपसे नाराज हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब माता दुर्गा फिर से आप सभी के जीवन में आ गई है और आने वाली अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन को सवार कर रख देगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कौन सी गलती को नहीं करना है और यह समय माता दुर्गा आपको कौन कौन से बड़े संकेत देने वाले, और दोस्तों, यहां से मैं आपको कौन सी छोटी मोटी उपाय को करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी गलती हुई है वह माता दुर्गा क्षमा कर दे और आपके ऊपर हमेशा प्रश्न रहे, आपको खुशियां प्रदान करें। तो दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है और 101% सत्य है। इसीलिए दोस्तों, ऐसे शुरू से लेकर अंत तक देखना अब आप सभी का कर्तव्य है। बस हम इतना आप सभी से वादा करते हैं कि आज का यह जानकारी आप सभी को खुशी से पागल कर देगा,
क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन में आने वाली अगले 3 दिनों के अंदर आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है उसके सच्चाई ही आपकी होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप एक पैर पर नाचे ना लग जाओ तो फिर कहना, आप सभी के जीवन में अगले 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं जिसके कारण आप सभी का जीवन 100 गुना अच्छा हो जाएगा। आपकी किस्मत 7वें आसमान पर जाने वाला है दोस्तों। अब आपका भाग्य का सितारा चमकने वाला है। अब आप बैठे बैठे राजा बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों अब भगवान का खेल शुरू होने वाला है। और जब भगवान का खेल शुरू होता है तो इंसानों की कुछ नहीं चलता, इंसान सिर्फ देखते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन में कोई कार्य करता है तब भगवान देखते हैं, और जब भगवान उसको फल देते हैं तब इंसान देखते ही रह जाता है। और दोस्तों अब आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपकी किस्मत सबको जवाब देगी। जो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते थे, आप उसको यह बात पता चलेगी। आप जैसे व्यक्ति हैं वैसा दूसरा कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। और हां दोस्तों, हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं चाहते। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हम आप सभी के लिए रोजाना अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, शुभ काम में देर किस बात की, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, माता दुर्गा अब आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी है। और माता दुर्गा नहीं, हर चीज ठान ली है कि अब आप सभी का किस्मत बदलना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, माता दुर्गा आप सभी के जीवन में कुछ संकेत देने वाले, तो सबसे पहले आपको संकेत को समझना है। जय माता दुर्गा। प्यारे दोस्तों, जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो वह अपने भक्तों को कई संकेत भेजती हैं जो उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। इन संकेतों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संकेत हमें माता की कृपा से परिचित कराते हैं। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो अक्सर एक सफेद या पीले रंग का पक्षी आपके घर के आसपास दिखाई देने लगता है। यह पक्षी माता का रूप धारण कर आपको यह संकेत देता है कि वह आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुकी है और आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होने वाला है। इसके साथ ही अगर आपके पूजा स्थल पर अचानक से कोई दुर्लभ फूल खिल जाए जो पहले वहां नहीं था, तो यह भी माता दुर्गा का संकेत होता है। यह फूल इस बात का प्रतीक है कि माता आपकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। कई बार माता दुर्गा प्रसन्न होकर स्वप्न के माध्यम से भी संकेत देती हैं। अगर आपको स्वप्न में माता का दर्शन होता है या वह आपको कोई मार्गदर्शन देती है, तो यह माता का स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी जीवन यात्रा में आपका साथ दे रही है। एक और संकेत जो माता दुर्गा देती हैं वह है अचानक से एक दिव्य खुशबू का अनुभव। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके आसपास एक अद्भुत और दिव्य खुशबू फैल जाती है, तो यह माता का संकेत होता है कि वह आपके जीवन में मौजूद हैं और आपको अपने आशीर्वाद से नवाज रही हैं। इन सभी संकेतों के माध्यम से माता दुर्गा हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद से निरंतर शक्ति मिलती रहती है। इसलिए जब भी आप इन संकेतों का अनुभव करें और आप यह चीज समझ जाए कि माता दुर्गा आप सभी के घर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, और माता दुर्गा जी आप सभी के जीवन में पिछले समय भी आई थी, लेकिन दोस्तों आपके ही कुछ गलती के कारण देवी माता दुर्गा महाराज होकर आपके जीवन से चली गई थी। अब आपको अपने जीवन में वह गलती भूल कर भी नहीं करना है जो आपने पिछले समय किया। तो दोस्तों, वह कौन सा गलती है जो अब आपको नहीं करना? प्यारे दोस्तों, जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत शुभ समय होता है। माता की कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन इस समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम माता की कृपा को स्थायी बना सकें और उनसे निरंतर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो हमें 3 प्रमुख गलतियों से बचना चाहिए, जिन्हें समझना और उनसे बचना हमारे लिए आवश्यक है। आइए इन गलतियों को विस्तार से समझते हैं। पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है अहंकार और अहंता का भाव।
माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होते ही हमारे जीवन में उन्नति और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। यह समय हमारे लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक हो सकता है, लेकिन इस समय पर हमें अपने भीतर अहंकार को जन्म नहीं लेने देना चाहिए। अहंकार वह विष है जो माता की कृपा को नष्ट कर सकता है। जब हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने लगते हैं और उसे दूसरों से श्रेष्ठता के रूप में देखने लगते हैं, तो यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। माता दुर्गा, जो शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है, हमें यह सिखाती है कि सफलता को धैर्य और संयम के साथ अपनाना चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों को माता के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसे अपनी मेहनत का परिणाम मानने के बजाय माता का प्रसाद समझना चाहिए। अहंकार से दूर रहते हुए हमें अपनी विनम्रता को बनाए रखना चाहिए और दूसरों के प्रति सद्भावना और करुणा का भाव रखना चाहिए। याद रखें, माता की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो विनम्र और सहृदय होते हैं। दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है आलस्य और प्रमाद का शिकार होना। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होते ही कई बार हमें लगता है कि अब सब कुछ सहज हो गया है और हमें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सोच हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। आलस्य और प्रमाद हमारे कार्य क्षेत्र में बाधा डाल सकते हैं और हमारे प्रगति के मार्ग में अड़चनें पैदा कर सकते हैं। माता दुर्गा, जो पराक्रम और उत्साह का प्रतीक है, हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निरंतरता और पूर्णता के साथ करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को टालने या अधूरा छोड़ने से बचना चाहिए। माता की कृपा से प्राप्त अवसरों का पूर्ण उपयोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संजीदा और दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। आलस्य को त्याग कर हमें अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम को बनाए रखना चाहिए, ताकि माता की कृपा निरंतर बनी रहे और हम उनके आशीर्वाद का पूर्ण लाभ उठा सकें। तीसरी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखना। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, तो वह हमारे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश कराती हैं। इस समय हमारे चारों ओर के लोग भी हमारी सफलता और खुशहाली को देख सकते हैं, लेकिन हमें इस समय पर सावधान रहना चाहिए कि हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न उत्पन्न हो। ईर्ष्या और द्वेष न केवल हमारे आंतरिक शांति को भंग करते हैं, बल्कि यह माता दुर्गा की कृपा को भी हमसे दूर कर सकते हैं। माता दुर्गा हमें सिखाती हैं कि हमें अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। दोस्तों, अब आप अपने जीवन में यह गलत ही भूल कर भी मत करना। जाने अनजाने आपके जीवन में ऐसा गलती हुआ है, चाहे आप करना ना चाहे। लेकिन दोस्तों, यदि अपना कारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसके अंदर ऐसी भावना रहती है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और उसी के प्रभाव से कहीं ना कहीं आप भी गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, जो हुआ शो हुआ, लेकिन अब आगे अपने जीवन में यह गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि देवी माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी है और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर राजा का मुकुट आप सभी की माथे पर सजाने वाली है, जिससे आप सभी का जीवन का राजा जैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको परेशान और निराश नहीं होना पड़ेगा कि दोस्तों आपके साथ साथ माता दुर्गा साक्षात चलने वाली, अब आप सभी का घर और परिवार में खुशियां आना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से मेहनत का फल मिलेगा। जो भी कार्य आप करेंगे वह कार्य आपका सफल होने वाला है। अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, जो लोग पिछले कई समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, जिससे आपका घर और परिवार बिल्कुल ही खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियों की एक नई उड़ान आने वाली। लेकिन दोस्तों, यह समय आप कुछ गलतियों को भूल कर भी मत करना, जैसे ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, ईश्वर के ऊपर हमेशा लीन रहना, क्योंकि ईश्वर की हिम्मत, जिसे हमारे जीवन में हर एक चीज होती है, हम चाहते हैं कि हम खुद करेंगे, हम खुद कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वह ऊपर वाले के ही कृपा से हो रहा है। बस आप अपने जीवन को खुश रखने के लिए नकारात्मक शक्तियों को
अपने घर से दूर भगाने के लिए कुछ उपाय को कीजिएगा। ये दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान को अपने जीवन में उपायों को करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना है। किसी को दुश्मन की समस्या है, दुश्मन परेशान करते हैं, कई लोग अपने घर में बरकत को लेकर परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी के कारण एक ही होता है। कौन सा कारण है, आपको कौन से उपाय करना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। यदि आप यह उपाय को नहीं भी कर पाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो इन सभी उपायों को सुन लेता है उसे सुनने से भी लाभ होता है। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ विशेष उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन से सारे दुख दर्द को समाप्त कर सकते हैं और घर में बरकत, सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। ये उपाय न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, बल्कि दुश्मनों का नाश कर आमदनी को भी बढ़ाते हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार मुख्य दरवाजा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इसे हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। दरवाजे के दोनों ओर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर लगाने से घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल आपके घर को बुरी नजर से बचाता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। इसके अलावा मुख्य दरवाजे पर रोजाना हल्दी और चंदन का लेप लगाना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल का महत्व बढ़ जाता है। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। वहां नियमित रूप से दीपक जलाना, धूप दीप करना और भगवान का भजन कीर्तन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माना जाता है कि घर के पूजा स्थल में ताजे फूल और शुद्ध जल का उपयोग करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य को सुबह और शाम के समय पूजा स्थल पर जाकर भगवान का ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। इससे घर में शांति का वातावरण बना रहता है और सभी समस्याओं का समाधान होता है। घर के अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए घर में नियमित रूप से गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गोमूत्र को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। इसके साथ ही घर में गंगा जल का छिड़काव भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी कराता है। इसके अलावा घर में कपूर का धुआं करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कपूर का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। घर के पूर्व दिशा को हमेशा साफ और खुला रखना चाहिए। पूर्व दिशा से ही सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। इस दिशा में भगवान सूर्य नारायण का चित्र लगाना और उनके समक्ष प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे न केवल घर में धन और समृद्धि का वास होता है, बल्कि सभी दुखों और कष्टों का भी नाश होता है। साथ ही इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में शांति और सुख का वातावरण बना रहता है। तुलसी को प्रतिदिन जल देने और उसकी पूजा करने से घर में नकारात्मकता का नाश होता है और परिवार के सदस्यों की रक्षा होती है। घर में किचन का भी विशेष महत्व होता है। किचन को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि यह परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। किचन में अनाज और दालों को खुले में नहीं रखना चाहिए और न ही भोजन के बाद झूठे बर्तनों को रसोई में छोड़ देना चाहिए। इससे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। किचन में एक तांबे का पात्र रखना भी शुभ माना जाता है, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भोजन बनाते समय माता अन्नपूर्णा की स्तुति और प्रार्थना करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। घर में नमक का भी विशेष महत्व होता है। अगर घर में आर्थिक तंगी और कलह की समस्या हो तो उसे दूर करने के लिए
एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर बाथरूम में रखें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखता है। इसके अलावा घर में फर्श की सफाई के लिए नमक मिले पानी का उपयोग करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसके अलावा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करना भी अत्यंत शुभ होता है। यह दिशा वास्तु दोषों को समाप्त करती है और घर में स्थिरता, समृद्धि और शांति लाती है। गणेश जी की मूर्ति को प्रतिदिन फूल और दुर्वा चढ़ाकर पूजन करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही दुश्मनों से रक्षा के लिए घर के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति लगाना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती और सभी शत्रुओं का नाश होता है। प्यारे दोस्तों, इन ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप अपने घर को न केवल सुख समृद्धि से भर सकते हैं बल्कि सभी दुख दर्द को समाप्त कर शांति और संतोष का अनुभव भी कर सकते हैं। ये उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली बनाए रखेंगे। जब हम इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हम पर बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में खुशियों की बरसात होती है और सभी समस्याओं का समाधान होता है। और आने वाली अगली 24 घंटे के अंदर आप सभी को ग्रह गोचर का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, अब दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अभी यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आप सभी की कुंडली में या अष्टमी दुर्गा राज, लक्ष्मी योग और भाग्यवान योग, गज के श्री योग और रवि योग, गुरु पुष्य योग, दोस्तों ये योग आपकी कुंडली में सबसे बड़ा कोहराम मचाने वाला है और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर पूरे गांव, मोहल्ले में आपके ही डंका बजवाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का पहचान अब सबसे ऊपर होने वाला है, तो अब आप सभी का दिन और रात आपकी दुश्मनों को हराम कर देगा। अब आपका किस्मत सबको जवाब देने वाला है, क्योंकि इतने बड़े शुभ और भाग्यशाली योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं, जिनके कारण माता दुर्गा का सीधा आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना हुआ है। तो कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, माता दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में कौन कौन से चमत्कार होंगे और साथ ही साथ यह समय कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, माता दुर्गा के आशीर्वाद से अगले 3 दिन आपके जीवन में अपार खुशियों और सुख समृद्धि का संचार करने वाले हैं। माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये 3 दिन आपके लिए कई अद्भुत अनुभव लेकर आएंगे और माता रानी के चमत्कारों से आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको अचंभित कर देंगी। इन 3 दिनों में सबसे पहले माता दुर्गा आपको उस लंबे समय से प्रतीक्षित खुशखबरी से नवाजने वाली हैं, जिसकी प्रतीक्षा आप न जाने कब से कर रहे थे। माता रानी की कृपा से आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा और वह कार्य जो अब तक रुका हुआ था वह अब पूरा हो जाएगा। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, करियर हो या फिर आपका निजी जीवन। माता की कृपा से आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनेगा। प्यारे दोस्तों, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर परिवार में खुशियों की बरसात करने वाला है। इन 3 दिनों में आपके परिवार के बीच ऐसा प्रेम और सामंजस्य देखने को मिलेगा जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। माता रानी की कृपा से घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। जो भी आपके परिवार में मनमुटाव था वह समाप्त हो जाएगा और माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में खुशहाली आएगी। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से भी बहुत लाभ पहुंचाएगा। जो भी आर्थिक समस्याएं अब तक आपके जीवन में चल रही थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। माता रानी की कृपा से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और धन की कमी महसूस नहीं होगी। व्यापारियों के लिए यह समय
अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि माता रानी की कृपा से व्यापार में वृद्धि होगी और नए अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा और धन धान्य की कमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, माता दुर्गा की कृपा से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जो भी स्वास्थ्य समस्याएं अब तक आपको परेशान कर रही थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। माता रानी की कृपा से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप नए जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन को जी पाएंगे। इन 3 दिनों में माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। माता दुर्गा की कृपा से इन 3 दिनों में आपको कुछ छोटे छोटे संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। माता रानी का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब आप संयमित रहेंगे और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे। इसके अलावा, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार की आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। माता रानी की कृपा से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए किसी भी कार्य को टालने की बजाय उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ करें। साथ ही माता रानी की कृपा से किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर रहें और केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। प्यारे दोस्तों, माता दुर्गा के आशीर्वाद से इन 3 दिनों में आपको अनगिनत खुशखबरियां मिलेंगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटित होंगी, जो आपकी जीवन दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगी। माता रानी की कृपा से हर कठिनाई दूर होगी और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इस समय आपको माता रानी का स्मरण करते रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अंत में, माता दुर्गा की कृपा से आपको हर पल खुशियों से भरपूर रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन 3 दिनों में माता रानी के चमत्कार आपको हर दिशा में सफलता दिलाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। इसलिए इन 3 दिनों को माता रानी के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें और उनके नाम का जाप करते रहें। प्यारे दोस्तों, माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद से आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब आपके माथे पर राजा का मुकुट सजेगा। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि अब ग्रहों की चाल और विशेष योग आपके पक्ष में है। गुरु पुष्य योग और दुर्गा महालक्ष्मी योग की शक्ति आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार करने जा रही है। यह समय वह समय है जब आपकी किस्मत इतनी तेजी से चमकने वाली है कि लोग दूर दूर से आपके नाम का जिक्र करेंगे। सबसे पहले इस गुरु पुष्य योग की बात करें तो यह योग अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस योग के दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत करना विशेष रूप से फलदायी होता है। जब यह योग सक्रिय होता है, तब धन, संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी की कृपा से इस योग के दौरान आपकी किस्मत ऐसे खुलेगी जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक से खुल जाए। जो भी काम आप अभी तक नहीं कर पाए थे, वह अब इतने आसानी से हो जाएंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गुरु पुष्य योग के प्रभाव से आपका जीवन ऐसा मोड़ लेगा कि आप अपने समाज में, अपने क्षेत्र में और यहां तक कि दूर दराज के इलाकों में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। लोग आपके सलाह मशविरे के लिए आपके पास आएंगे और आप अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। इस समय आपका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपको अपना आदर्श मानेंगे और आपके कहे अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से बनने वाला दुर्गा महालक्ष्मी योग आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा करेगा। इस योग के प्रभाव से आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होगा और आप आर्थिक दृष्टि से पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएंगे। यदि आप किसी व्यवसाय या व्यापार से जुड़े हैं, तो इस समय आपके व्यापार में अचानक से वृद्धि होगी। नए नए अवसर आपके सामने आएंगे और आपके द्वारा किए गए निवेश अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। अब आपके गांव-गांव में चर्चे होंगे। जो लोग आज आपको सामान्य समझते हैं, वे जल्द ही आपके सामर्थ्य को पहचानेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे।
माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको समाज में एक उच्च स्थान पर पहुंचाएगा। इस समय आपकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा। आप अपने कार्यों से, अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई मिसाल कायम करेंगे और लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आपके गुणों की सराहना करेंगे। किस्मत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इस बार यह दस्तक इतनी जोरदार होगी कि आपके जीवन में हर दिशा से उजाला आएगा। माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा बल्कि आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके व्यक्तित्व को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आप अपने परिश्रम और माता रानी की कृपा से उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां से आपको कोई भी नहीं हटा सकता। अब आपके माथे पर राजा का मुकुट सजेगा और आप अपने जीवन के राजा होंगे। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अब आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। आने वाले दिनों में माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और आपके चारों ओर केवल सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण होगा। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं, माता रानी का स्मरण करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार रहें। माता दुर्गा और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में वे सभी सपने पूरे करेंगे जिनकी आप हमेशा से कल्पना करते आए हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा और आप अपने जीवन के राजा बनेंगे। जय माता दुर्गा, जय माता महालक्ष्मी। प्यारे दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति हर तरह से समृद्ध हो जाता है। इन दिनों भोलेनाथ आपके घर पधारने वाले हैं, लेकिन वह अपनी चमत्कारी शक्ति से रूप बदल कर आएंगे। शिवजी कभी सीधे नहीं आते, वे हमेशा किसी न किसी रूप में आकर अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। अब इस भाग्यशाली समय में वे आपसे मिलने के लिए तैयार हैं और आपको संकेत देंगे जिन्हें पहचानना आपके लिए बेहद जरूरी है। संकेत को जानने से पहले दोस्तों, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो महादेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कृपा करो 5 बार लिखना है दोस्तों, जिस महादेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भोलेनाथ का पहला संकेत आपको सपनों में मिलेगा। जब शिव जी आपसे संवाद करना चाहते हैं तो वे अक्सर सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। सपने में यदि आपको सांप दिखाई दे तो समझ लें कि यह भोलेनाथ का संकेत है। सांप भगवान शिव का प्रिय है और यह शिव जी की उपस्थिति का प्रतीक होता है। यदि आपको सपने में सांप दिखाई दे या फिर दिन के समय अचानक आपके सामने कोई सांप आ जाए तो यह स्पष्ट है कि भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन में आकर आपकी समस्याओं को हल करने का इशारा कर रहे हैं। भोलेनाथ सांप के रूप में आएंगे और आपके जीवन से विषैली स्थितियों को दूर करेंगे। जैसे ही आप सांप का यह संकेत देखेंगे, समझ लीजिए कि आपके जीवन से सारी नकारात्मकता समाप्त होने वाली है। सभी बाधाएं जो अब तक आपके रास्ते में आ रही थीं, वह शिव जी की कृपा से अब समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ का यह सांप रूप आपको यह बताने के लिए है कि अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ कभी कभी किसी वृद्ध व्यक्ति के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। यदि किसी दिन आपके घर के दरवाजे पर कोई वृद्ध भिक्षुक आकर कुछ मांगता है तो उसे कभी खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है कि वह भोलेनाथ ही हों जो आपके जीवन में आशीर्वाद देने के लिए इस रूप में आए हों। जब भी आपको इस प्रकार का संकेत मिले, उसे सम्मान पूर्वक माने और भक्ति भाव से उनकी सेवा करें। यह भी शिव जी का एक रूप हो सकता है और इस रूप में वे आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि अब आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। प्यारे दोस्तों, भोलेनाथ का एक और रूप पशुओं का हो सकता है। यदि किसी दिन अचानक कोई बैल आपके घर के सामने आकर बैठ जाए या फिर आपको कहीं रास्ते में मिल जाए तो यह भोलेनाथ का संकेत है। नंदी, जो कि भगवान शिव के वाहन है, शिव जी की उपस्थिति का प्रतीक होते हैं। बैल का यह संकेत आपके जीवन में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है।
इसका मतलब है कि अब आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे और शिव जी की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भोलेनाथ के रूप बदलकर आने से पहले आपको कई अन्य संकेत भी मिल सकते हैं, जैसे यदि आपको अचानक किसी शिव मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे या फिर आपके घर में कहीं से शिव मंत्र की ध्वनि आने लगे तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ आपके बहुत करीब हैं। यह संकेत आपको यह बताने के लिए है कि शिवजी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरने वाले हैं। अब बात करते हैं उन खुशखबरियों की जो भोलेनाथ आपके जीवन में लेकर आएंगे। सबसे पहले आपकी सभी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शिवजी की कृपा से आपके धन का स्रोत बढ़ेगा और आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके परिवार में खुशियों की बरसात करेगा और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इसके साथ ही शिवजी की कृपा से आपके परिवार में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनेगा। प्यारे दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में शत्रुओं का नाश करेगा। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु या विरोधी है तो वह भोलेनाथ के आशीर्वाद से परास्त हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ का यह संकेत आपके जीवन में सुरक्षा और शांति का प्रतीक है, जिससे आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं टिक पाएगी। इसके अलावा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। शिवजी की कृपा से आपकी सभी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। शिवजी का यह संकेत आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। भोलेनाथ का एक और संकेत आपके जीवन में विशेष अवसरों की ओर इशारा करेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो शिवजी का आशीर्वाद आपको इस कार्य में अपार सफलता दिलाएगा। जब भोलेनाथ आपको संकेत देंगे तो समझ लीजिए कि यह समय आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह समय आपके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत का संकेत होगा और आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अंत में प्यारे दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में अनगिनत खुशखबरियां लाने वाला है। शिवजी के संकेतों को पहचानें और उनका आदरपूर्वक स्वागत करें। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हर दिशा में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। शिवजी के आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। जय भोलेनाथ।